किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कॉर्टेवा कंपनी की इंगेज इंसेक्टिसाइड के बारे में। जैसे कि ये कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, इसके अंदर टेक्निकल कंपोजिशन क्या है, इसकी डोज क्या है, इसका रिजल्ट टाइम कितना है, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर सकते हैं, फसल की कौन कौन सी स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्राइस क्या है, यानी कि कॉर्टेवा की इंगेज इंसेक्टिसाइड के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले जान लेते हैं इसके टेक्निकल कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं, एक है स्पाइनोट्यूरम 5.66% जो कि हमें डेलीगेट जैसी कई सारी इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें एक और टेक्निकल देखने को मिलता है जो कि इंडिया के अंदर अभी तक किसी भी इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को नहीं मिला है, वो है मेथॉक्सोफेनोजाइड 28.3% SC फॉर्मुलेशन में इसके अंदर दिया गया है, जो कि एकदम नया टेक्निकल है और ये टेक्निकल अभी तक किसी भी इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को नहीं मिला है। और ये इंसेक्टिसाइड हमारी फसलों पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट एंड स्टोमक एक्शन विद ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ काम करता है, यानी कि जो कीट इसके संपर्क में आते हैं या हमारी फसल को काटते खाते हैं तभी ये उनके पेट में जाकर उनके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कीट कुछ खा पी नहीं पाते हैं और ना ही चल फिर पाते हैं और वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण ये पत्तियों के आर पार हो जाता है और पूरे पौधे के अंदर ऊपर से नीचे तक फैल जाता है, यानी कि पौधे के किसी भी हिस्से में जो कीट छिपे होते हैं या पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं ये उन्हें भी खत्म कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं ये हमारी फसल में कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो ये थ्रिप्स, लीफ माइनर, सेमी लूफर, लीफ फोल्डर, कटरपिलर, पॉट बोरर, स्टेम बोरर जैसी सभी प्रकार की इल्लियों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है और इल्लियों पर इसका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसका प्रयोग कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, बैंगन, टमाटर, गोभी, अनार, अंगूर जैसी, यानी कि आप इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो वो आपको लेनी है 160 ml पर एकड़ के हिसाब से, 200 लीटर पानी के अंदर आपको इसका प्रयोग करना है ताकि इसके आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकें। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम की। तो लगभग 15 से 16 दिन तक इसका हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो आप इसका कॉम्बिनेशन किसी भी इंसेक्टिसाइड, किसी भी फंगीसाइड के साथ मिलाकर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें कि आप इसका प्रयोग फसल की कौन कौन सी स्टेज में कर सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग फसल की फल फूल बनने की स्टेज में, यानी कि आप इसका प्रयोग फसल की सभी स्टेजों में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो आपको 80 ml का पैक लगभग 550 रुपये से लेके 600 रुपये तक मिल जाएगा। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।